हेलो एवरीवन, आवर फर्स्ट चैप्टर नेम इज ए नंबर सिस्टम एंड बाइनरी अरिथमेटिक्स। सो इन दिस वीडियो वी लर्न द बाइनरी सब्ट्रैक्शंस, बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग टू कॉम्प्लीमेंट, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी डिवीजन। सो नाउ फर्स्ट इज ए बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट। दीज आर द फॉलोइंग स्टेप्स। ये आपको स्टेप दिया है हाउ टू फाइंड द टूज कॉम्प्लीमेंट, बट वी विल टेक द एग्जाम्पल हियर ऑल्सो वन एग्जाम्पल, बट अच्छे समझने के लिए मैं ये नेक्स्ट एग्जांपल ले रही हूँ। सो फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे दो इनपुट दिए लाइक 0 1 1 1 एंड सेकंड इनपुट इज 0 1 0 1। नाउ फर्स्ट इज जो आपको माइनस करना है, जो नंबर आपको माइनस करना है उसका रिवर्स निकालो, दैट इज़ वो रिवर्ट करना है। सो यहाँ पे कौन सा नंबर माइनस करना है, सेकेंड इनपुट जो है वो माइनस करना है। सो वो है 0 1 0 1, तो हमने वो रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने के बाद यहाँ देखो आंसर इज 1 0 1 0। ओके, जो हमने रिवर्स किया तो आंसर इज 1 0 1 0 एंड उसमें ऐड वन बिट, जो रिवर्स किया है उस नंबर में आपको ऐड वन बिट करना है। सो उनके एडिशन करनी है, ऐड बिट वन करना है, उनकी एडिशन करनी है। एडिशन कैसी करनी है, जो हमें बाइनरी एडिशन में जो चार्ट देखा था उस हिसाब से आपको एडिशन करनी है। सो टोटल इट्स 1 0 1 1। ओके, नाउ ये जो आंसर आया हमने रिवर्स किया, जो सेकेंड इनपुट था उसका रिवर्स किया, देन उसमें ऐड बिट किया और बाइनरी चार्ट एडिशन का जो चार्ट था वो यूज़ किया और फाइनल आंसर इज 1 0 1 1। लेकिन हमारे टूज कॉम्प्लीमेंट नहीं है, आगे भी प्रोसेस है। तो ये 1 0 1 1 जो हमारे टोटल आई है, ऐड बिट करके जो टोटल आई है वो हमें ऐड करनी है फर्स्ट इनपुट में, जो हमारा फर्स्ट इनपुट क्या है 0 1 1 1, उसमें ये एडिशन जो ऐड वन बिट करके जो एडिशन आई है वो हमें ऐड करनी है। सो आंसर विल बी 1 0 0 1 0। लेकिन यहाँ पे 5 डिजिट आंसर इज़ 5 डिजिट एंड हमारे इनपुट कितने डिजिट के हैं, 4 डिजिट के। सो आंसर इज़ 5 डिजिट, सो 1 इज़ ओवरफ्लो। सो ये 1 आया है वो हमें डिस्कार्ड कर देना है, वो निकाल के देना है और रिमेनिंग आंसर वी विल टेक। सो रिमेनिंग आंसर क्या है हमारा 0 0 1 0। सो फाइनल आंसर इज 0 0 1 0। इट इज़ वेरी सिंपल। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल में भी दो इनपुट है 1 0 1 0 1 एंड सेकेंड इनपुट इज 0 1 1 1। सो हमें सेकेंड इनपुट रिवर्स करना है, सो रिवर्स करके आया 1 0 0 0, उसमें ऐड वन बिट करना है। सो हमने ऐड किया उसमें बाय यूजिंग बाय एडिशन चार्ट, बाइनरी चार्ट। सो वन बाइनरी एडिशन चार्ट, सो उसमें ऐड बिट किया। सो टोटल इज़ 1 0 0 1 और जो टोटल आई है वो हमें टोटल हमारे पहले इनपुट में ऐड करनी है। सो आंसर विल बी 1 1 1 0। तो यहाँ पे 4 डिजिट आंसर आया और हमारे इनपुट भी 4 डिजिट ही थे, तो आंसर इज 4 4 डिजिट आए। तो इस वक्त हमें क्या करना है, जो आंसर आया है वो हमें इन्वर्ट करना है, दैट इज़ रिवर्ट करना है। ओके, सो रिवर्ट करने के बाद आंसर आया हमारा 0 0 0 1। जो आंसर आया था हमारा वो हमने रिवर्स कर दिया 0 0 0 1 एंड अगेन उसमें 1 ऐड कर दिया। सो आंसर विल बी 0 0 1 0। ओके, नाउ यहाँ पे पॉजिटिव आंसर आया तो वह हमें निगेटिव कर देना है, सो इसलिए हमें ऐड 1 किया यहाँ पे। सो आंसर इज़ फाइनल आंसर इज़ -0 0 1 0। ओके, अगर सेम डिजिट आए, 4 डिजिट 4 डिजिट, जो इनपुट की 4 डिजिट है, आंसर भी 4 डिजिट आया, उस वक्त ये प्रोसेस करनी है आपको, जो आंसर आया है वो रिवर्स कर देना है, उसमें 1 ऐड कर देना है। सो आंसर विल बी 0 0 1 0 और फाइनल आंसर इज माइनस में लिखना है आपको, -0 0 1 0। ओके, ये 2 एग्जाम्पल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट और आपको अच्छे समझने के लिए ये 2 एग्जाम्पल काफ़ी है। सो नेक्स्ट इज़ ए बाइनरी मल्टीप्लीकेशन। देर आर 4 रूल्स ऑफ बाइनरी मल्टीप्लीकेशन। जैसे हमने बाइनरी एडिशन और बाइनरी सब्ट्रैक्शन में जैसे 4 रूल्स फॉलो किए, वैसे ही हमें बाइनरी मल्टीप्लीकेशन में भी ये 4 रूल्स फॉलो करने हैं। सो यहाँ पे भी 0 1 ही मल्टीप्लीकेशन करने। सो मल्टीप्लीकेशन इज ऑलवेज 0 वेन एवर एटलीस्ट 1 इनपुट इज 0। ओके,
So we have already discussed the binary addition and binary subtraction in detail in the previous video or articles. Now we are going to discuss binary multiplication in detail manner. As in binary number system, there are only 0 and 1 present as a digits. So we have to know the fundamental interrelations between these two digits during the multiplication. So in binary multiplication, there are also 4 steps to be followed during a bigger multiplication, or we can say this is the fundamental steps. So we can follow this, as we can see that if we can compare these rules of binary multiplication with that decimal multiplication, we will not have any difference at all. So it is a comparatively easy method than the previous discussing two operations. So we take the फर्स्ट एग्जाम्पल. नाउ मैंने यहाँ पे सारे इन डिटेल प्रोसेस दिखाई है आपको. सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप. इन दिस स्टेप यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है. जो एग्जाम्पल था पीछे गया वो अभी. हाँ, लेट अस टेक टू बाइनरी नंबर्स लाइक ए इज़ इक्वल टू 1001 एंड बी इज 101. सो वी वॉन्ट टू फाइंड आउट ए इंटू बी. हमें यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना है. सो इन दिस फर्स्ट स्टेप, इन दिस स्टेप द least significant bit or the rightmost bit of B is multiplied with all the digit of A from the right side and the result is written. So यहाँ पे जैसे हमें multiply करते हैं वैसे ही करना है. So 1 into यहाँ पे 1001 into 101 करना है. So 1 into 1 is 1, 1 into 0 is 0, 1 into 0 is equal to 0, then 1 into 1 is 1. Similarly, in this step, all the elements of A are respectively multiplied with the second most significant bit, that is 0. From the table above, we can see that any digit 0 or 1, when multiplied by 0, the result is 0. So, all the elements in this step is 0. 0 se multiply kiya har digit ko, to answer will be 0. So, yeah. इस स्टेप में यहाँ पे सारे जीरो आ जाएंगे. नाउ वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप. इन दिस स्टेप द लेफ्ट मोस्ट डिजिट ऑफ बी विच इज़ वन इज मल्टीप्लाई बाय ऑल द डिजिट ऑफ ए एंड द रिजल्ट सेम एज द फर्स्ट स्टेप. यहाँ पे हमने वन से मल्टीप्लाई किया तो आंसर इज 1001. जीरो से मल्टीप्लाई किया तो सारे जीरो आने वाले हैं. अगेन वन से मल्टीप्लाई किया 1001. जैसे हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं वैसे ही यह प्रोसेस हमें फॉलो करनी है बाय यूजिंग दिस बाइनरी मल्टीप्लीकेशन टेबल. सो ये हमने निकाला तो ये तीनों की एडिशन करनी है बाय यूजिंग दिस बाइनरी एडिशन टेबल जो हमने देखा, उनके एडिशन करनी है. सो आंसर विल बी 101101. ओके, ये एडिशन कैसे किए हैं? जो हमने पिछले वीडियो में बाइनरी एडिशन का जो चार्ट देखा था वो यहाँ पे यूज करना है. ओके, यहाँ पे आप बोलोगे यहाँ पे तीन इनपुट है, तो मैंने पहले बोला था फर्स्ट एंड सेकेंड इनपुट ले लो, जो आंसर आएगा वो और थर्ड इनपुट में ऐड करो. सपोज यहाँ पे देखो 1001 प्लस 0000 प्लस 1001 है. सो हम क्या करेंगे, नाउ लास्ट से स्टार्ट करना है. सो 1 प्लस 0 जो आएगा वो आंसर, जो आंसर आए वो प्लस थर्ड लाइन में क्या है वो 1. सो 1 ऐड करना है. सो ऐसे आप फॉलो करना है आपको बाइनरी एडिशन टेबल. मैंने पिछले वीडियो में भी बताया आपको, वो रूल आप फॉलो करो. सो नेक्स्ट इज अ बाइनरी डिवीजन. बाइनरी डिवीजन इज सिमिलर टू डिवीजन, इट इज कॉल्ड एज द लॉन्ग डिवीजन प्रोसीजर. थ्रू द बाइनरी डिवीजन इज नॉट डिफिकल्ट. सो देयर आर 4 पार्ट्स इन एनी डिवीजन: डिविडेंड, डिवाइजर, कोशंट एंड रिमाइंडर. सो हियर इज ऑल्सो 4 रूल आपको फॉलो करना है इन बाइनरी डिविजन्स. थ्रो बाइनरी डिवीजन नॉट टू डिफिकल्ट, इट कैन बी इनिशियली बी अ बिट हार्डर टू अंडरस्टैंड दैन द अदर बाइनरी ऑपरेशन एज दे शेयर सिमिलैरिटीज. ये आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. सो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी इस बाइनरी डिवीजन के लिए. दे आर ऑल हैड 4 बेसिक स्टेप्स विच मेड ऑल द प्रोसेस क्वाइट ईजी टू अंडरस्टैंड, बट द प्रोसेस ऑफ बाइनरी डिवीजन डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक रूल्स टू फॉलो. दो दिस प्रोसेस इज क्वाइट सिमिलर टू डेसिमल डिवीजन. द प्रोसेस विल नॉट बी क्लियर अंटिल वी लुक एट. सो वी कैन लुक एट एन एग्जाम्पल. लेट अस टेक
ए इज इक्वल टू 11010 एंड बी इज इक्वल टू 101 वेर वी वॉन्ट टू डिवाइड ए बाय बी. सो यहाँ पे इसे लिखना है आपको, जैसे हम डिवाइड करते हैं वैसे ही साइन करना है. सो हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, इन दिस फर्स्ट स्टेप द लेफ्ट मोस्ट डिजिट ऑफ डिविडेंड दैट इज ए आर कंसिडर्ड एंड डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू द डिवाइजर इज मल्टीप्लाई विथ 1 एंड द रिजल्ट विच इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 101 एंड 1 आर रिटर्न. सो वी आर ऑलरेडी नोन दैट 1 × 1 इज इक्वल टू 1, 1 × 0 इज इक्वल टू 0 एंड 1 × 1 इज इक्वल टू 1. दैट इज एग्जैक्टली वॉट इज रिटर्न. ओके, नाउ इन दिस स्टेप जो हमें ऊपर दिख रहे हैं 101 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 110. दिस स्टेप इज ऑल्सो वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड, वी ऑलरेडी नो बाइनरी सब्ट्रैक्शन मेथड. नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेप. एज ऑफ द रूल्स ऑफ डिविजन द नेक्स्ट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कम्स डाउन एंड वी विल ट्राई टू मल्टीप्लाई 1 विद डिवाइडर दैट इज बी, बट द रिजल्ट इज बिगर दैन द माइनर. So this cannot be completed and we have to go the next step. So 0 is inserted into the quotient and the least significant bit comes down. Now we can proceed to the next step. Now again the divisor is multiplied with 1. Okay. Again hum multiply karne wale 1 se and the result is written. The result is similar to the first one because all the numbers are same. Now we are going to the next step. In the final step. सो बाइनरी यहाँ पे देखो आप, हमने एडिशन कर दी है. सो वहाँ पे क्वेश्चन है, लास्ट में रिमाइंडर है. सो इन दिस फाइनल स्टेप बाइनरी सब्ट्रैक्शन इज डन एंड वी गेट द रिमाइंडर एंड द ऑपरेशन ऑफ बाइनरी डिवीजन इज कंप्लीटेड. वी विल गेट द रिजल्ट, क्वेश्चन इज 101 एंड रिमाइंडर इज 1. ये मैंने डिटेल में आपको मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बताया है, लिखा है मैंने वहाँ पे कैसे क्या किया है. सो ये आपको सिर्फ फॉलो करना है और डिवीजन इज़ मोस्टली कॉम्प्लिकेटेड, ये आपको समझ में आ जाएगा, आप खुद प्रैक्टिस करो. हमारा फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हुआ है, हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा प्रोग्राम एनालिसिस. ओके, सो थैंक यू.